नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे Xiaomi का MI A2 फ़ोन का। ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल हो जाएगा, एक जो है 4GB प्लस 64GB रोम के साथ, दूसरा जो है 6GB प्लस 128GB रोम के साथ। इस फ़ोन में आपको चार कलर वेरिएंट मिल जाएंगे, एक जो है ब्लैक, दूसरा ब्लू, तीसरा रेड और चौथा गोल्ड। इस फ़ोन की अगर प्राइस के बारे में हम बात करें तो ये फ़ोन आपको 15 से 17 हज़ार के बीच में Amazon और Flipkart पे अवेलेबल हो जाएगा। हमेशा की तरह इस फ़ोन का बेस्ट बाय लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। इस लिंक से आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस बॉक्स को हम जल्दी से आपके लिए खोलते हैं। इस फ़ोन की आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाती है और फ़ोन के अलावा जो भी पार्ट्स है उसकी 6 मंथ मैन्युफैक्चरर वारंटी आपको मिल जाती है। जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं, बॉक्स के अंदर हमें एक पैकेट मिलता है। पैकेट के अंदर हमें एक ट्रांसपेरेंट मोबाइल बैक कवर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद बॉक्स के अंदर से हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसकी मदद से आपको ये फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है उसके सारे इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लिखे हुए हैं। उसी के साथ बॉक्स के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ है किस किस पार्ट की वारंटी कितने मंथ्स की है या कितने ईयर्स की है। यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड को हम साइड में रख के बॉक्स के अंदर और हमें कंपनी ने क्या कुछ दिया है वो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टाइप सी टू ऑडियो अडेप्टर हमें मिलता है और उसी के साथ मोबाइल फ़ोन का सिम ट्रे इजेक्ट करने के लिए एक सिम इजेक्ट टूल भी हमें मिल जाता है, जबकि उसकी बॉडी स्टील की है और वो काफ़ी सिंपल है। इस मोबाइल फ़ोन के डायमेंशंस जो है वो 15.9x0.7x7.5 cm है और इसका वेट 168 grams है। इस फ़ोन की डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो ये 15.2 cm यानी कि 5.99 inches का फुल HD डिस्प्ले हमें मिलता है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले प्लस गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन हमें इसके साथ मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मोबाइल के आगे और पीछे दोनों तरफ स्टिकर लगे हुए हैं। फिलहाल हम मोबाइल को साइड में रख के बॉक्स के अंदर हमें और क्या कुछ मिलता है वो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक पावर चार्जिंग अडेप्टर हमें बॉक्स में मिल जाता है और उसी के साथ साथ एक USB-C टाइप चार्जिंग केबल भी हमें बॉक्स के अंदर से मिल जाता है जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, हमें बॉक्स के अंदर MI A2 मोबाइल फ़ोन मिलता है, टाइप सी टू ऑडियो अडेप्टर मिल जाता है, पावर अडेप्टर, USB केबल, सिम इजेक्ट टूल, वारंटी कार्ड, यूज़र गाइड, क्लियर सॉफ्ट केस, इस तरह से कंटेंट्स हमें बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। इस फ़ोन में हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है और GPU एड्रिनो 512 मिल जाता है जिसकी मदद से मल्टीटास्किंग काफ़ी आसान हो जाता है और यूज़र एक्सपीरियंस भी फास्टर और स्मूदर हो जाता है। अभी जो वेरिएंट हम देख रहे हैं वो 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। इस मोबाइल फ़ोन के रेयर में हमें डुअल कैमरा मिलता है जो कि 12 MP प्लस 20 MP का है, जो कि सोनी सेंसर के साथ एपर्चर वाइड f1.75 के साथ आता है, जिसमें ऑटो और HDR मोड भी हमें मिल जाते हैं। इस फ़ोन में EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन हमें मिल जाता है जिसकी मदद से 1080p 60fps पे हम वीडियो शूट कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा 20 MP का सोनी सेंसर के साथ आता है। AI पोर्ट्रेट सेल्फीज, ब्यूटीफाई 4.0 विथ ऑटो HDR, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस स्लो मोशन प्लस टाइम लैप्स, ऐसे फीचर इस कैमरा में हमें मिल जाते हैं। इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की अगर बात की जाए तो 3010 mAh की लिथियम पॉलीमायर बैटरी इस फ़ोन में हमें मिल जाती है। इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड वर्जन 8.1 ओरियो हमें मिल जाता है। फ़ोन में स्पेशल फीचर्स ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई हॉटस्पॉट, GPS, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, FM रेडियो, ईमेल, इस तरीके से फीचर्स हमें मिल जाते हैं। इस फ़ोन के अगर सेंसर्स की बात की जाए तो जायरोस्कोप, इंफ्रारेड सेंसर, प्रॉक्सीमेट्री सेंसर, एक्सीलरोमीटर, एम्बियंट लाइट सेंसर, ई कंपास, ऐसे सेंसर्स हमें मिल जाते हैं। इस फ़ोन के डिज़ाइन और लुक्स की अगर बात की जाए तो ये फ़ोन दिखने में काफ़ी एलिगेंट स्टाइल है। अल्ट्रा थिन डिज़ाइन, फुल मेटल यूनिबॉडी और ग्रिपेबल टेक्सचर के साथ इसको डिज़ाइन किया गया हुआ है। फ़ोन के रेयर साइड में फिंगरप्रिंट लॉक अनलॉक सेंसर हमें मिल जाता है। इस फ़ोन में फेस अनलॉक फीचर भी हमें मिल जाता है। ये फ़ोन हमें डुअल सिम कार्ड स्लॉट्स के साथ आता है। दोनों स्लॉट्स में नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करते हैं, दोनों में 4G चल जाता है। उसी के साथ साथ VOLTE टेक्नोलॉजी को भी ये सपोर्ट करता है। इस फ़ोन की वारंटी 1 साल की है। इसके अलावा बॉक्स में जितने भी एक्सेसरीज है उसकी वारंटी 6 मंथ्स की आ जाती है।
तो दोस्तों इस प्रकार से इस फ़ोन के सारे फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन हमने जान लिए हैं, लेकिन इस फ़ोन में कुछ कमियां भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, इस फ़ोन में हमें हेडफोन लगाने के लिए 3.5 mm का हेडफोन स्लॉट नहीं मिलता, जो कि कंपनी को इस फ़ोन में देना चाहिए था। उसके बाद इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन कंपनी ने हमें फास्ट चार्जिंग वाला पावर एडाप्टर प्रोवाइड नहीं किया है, जो कि कंपनी को इस फ़ोन के साथ हमें प्रोवाइड करना चाहिए था। इस फ़ोन का डिस्प्ले, हार्डवेयर और फीचर्स को देखते हुए 3010 mAh की बैटरी हमें सफिशेंट नहीं लगती। डेली यूज़ में इस फ़ोन की बैटरी हमें डे टू डे वर्क में एक ही दिन जा सकती है। इस फ़ोन में अगर आपको गाने सुनने हैं तो आपको सी टाइप वाले हेडफोन खरीदने पड़ेंगे, या फिर आपको कंपलसरी टाइप सी टू ऑडियो एडाप्टर कैरी करना पड़ेगा, उससे आप 3.5 mm हेडफोन जैक कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स थे जो हमें इस फ़ोन में अच्छे नहीं लगे। बाकी ओवरऑल इस फ़ोन के जो फीचर्स है वो काफ़ी बढ़िया है। इस फ़ोन के फ्रंट और रेयर कैमरा दोनों काफ़ी अच्छे हैं। इस फ़ोन के कैमरा की मदद से हम 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो ये फ़ोन सिर्फ 4GB और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ ही अवेलेबल है। आगे आने वाले दिनों में ये 6GB रैम और 128GB रोम के साथ भी अवेलेबल हो जाएगा। ये फ़ोन एंड्रॉयड 1 टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया हुआ है, यानी कि एंड्रॉयड के आगे आने वाले जो भी वर्जन्स है उसके अपडेट्स इस फ़ोन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इस फ़ोन के स्टोरेज की अगर बात की जाए तो 64GB में से 15.43GB ऑलरेडी यूज्ड है, यानी कि यूज़र के लिए 48GB तक का स्पेस हमें इसमें फ्री मिल जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, अभी अभी इस फ़ोन को हमने अनबॉक्स किया है, इस फ़ोन को ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया है। आगे आने वाले दिनों में हम इसको यूज़ करेंगे, इसका कैमरा परफॉर्मेंस चेक करेंगे, इससे नए नए वीडियोज़ बनाएंगे और आपको इसके सारे फुटेजेस दिखा देंगे। तो दोस्तों ये फ़ोन हमने अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दरमियान ख़रीदा है। ये फ़ोन हमें 14,999 रुपीज़ में पड़ा है। इस फ़ोन का बेस्ट बाय लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। अगर उस लिंक से ये फ़ोन आप खरीदना चाहते हो तो ये फ़ोन आप खरीद सकते हो। तो जल्दी से इस फ़ोन का प्लास्टिक का बैक कवर हम इस फ़ोन पे लगा के देखते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसे दिखता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो। शुक्रिया दोस्तों।